अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अभी तो ये देखिए पैकिंग हो रही है, यहाँ से कपड़े निकाल रहे हैं बच्चों के, कुछ वो सारे बुक्स वगैरह पैक कर रहे हैं, और किचन गार्डन का भी मेरा जा रहा है, ग्रो बैग्स कुछ तो चले गए, अभी यहीं पे हैं, सारे ही ग्रो बैग्स जाएंगे वहीं पे। सभी कर रहे हैं मिलजुल के काम, माशाल्लाह। ये देखें जोरों शोरों से हो रहा है काम, तो बेटा ये देखो पैकिंग वगैरह ऊपर से। ये अच्छा हुआ आज सैटरडे आया, तो उस वजह से फिर काम है ना बहुत निपट रहे हैं। ये देखिए ये लॉबी में है, ये बिस्तर है, ये भी जाएगा सारा सामान धीरे धीरे इंशाल्लाह। ये मेरा कल बर्थडे वाला देखे, केक वगैरह थे ना, पेस्ट्री भी ले आए थे, पेस्ट्री, ये डोनट्स ले आए थे कल मेरे जन्मदिन पे, और ये है ना केक में से भी बचा हुआ है, इसको भी नहीं उठाया हमने, क्योंकि अब तो जाना ही है, सारा सामान उधर पैकिंग हो रही है इंशाल्लाह। ये देखिए सामान लोड हो रहा है सारा ट्रक में। हाँ उधर ही जाएगा ये भी घर। वहाँ पे कुछ बिछा दे पहले इस बिस्तर को, ये गंदा ना हो जाए बिस्तर। चादर नीचे से ले आ, मेरे पास चादर नहीं है। वो की बाउल चला गया? हाँ की बाउल तो मैं नीचे का है, नीचे का जा भी है, ले ले वहाँ से। मैंने बेसमेंट में मैंने रखी है पुरानी चादरें, वही निकालो। टीवी का रिमोट एक और मैंने यहीं पे रखा हुआ था। हाँ हाँ यही उठा लो, और अंदर से भी उठा लो। वो तो आए नहीं, फिर उसने बोला मैं एक दो दिन में ले जाऊंगा आराम आराम से। एक दिन में? फ्रिज का सामान भरा जा रहा है इन थैलियों में, अंडे अलग, चीज़ अलग, सॉस की बोटल्स अलग, इन बाकी ब्लैक थैलियों में भरा है सारा जूस वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, और फ्रिज को कर रहा है बिल्कुल, और फ्रिज को देखे बिल्कुल क्लीन कर रहा है सारा सामान निकाल के, अब जाएगा फ्रिज। ये सारा थैलियों में जो जितना भी इन काली थैलियों में दिख रहा है ना, सारा फ्रिज में से निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ्रिज के ना डोर निकालेंगे पहले बाहर, तब जाके ये घर से बाहर डोर से निकलेगा, मतलब जो घर का दरवाज़ा है ना उससे नहीं निकलेगा फ्रिज, ये दरवाज़ों के साथ। तो अब इसके दरवाजे फ्रिज के निकालेंगे बाहर, फिर वहाँ घर में जोड़ेंगे। ये देखिए डाइनिंग टेबल पूरी भरी पड़ी है सामान से, ये बर्तन है मेरे किचन के कुछ यहाँ पे। या रब्बा भी पैक हो गया है, और यहाँ से ना कारपेट वगैरह भी उठा के ले गए, अब ये कर्टन्स रह गए, अब कर्टन्स और ये रॉडे वगैरह लेके जानी है वहाँ पे। अब ये शो पीसेस की शेल्फ वगैरह उतारनी है,
और ये झूमर वगैरह जो है ना ये निकलेगा। तो अभी तो मतलब सामान ले जाने में ना कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। अब इस वक्त शाम के 8 बजे हैं और हमारा तीसरा ट्रक जो है ना लोड होके अभी जा रहा है नए घर पे। अभी देखिए रात के 9:07 हो रहे हैं और ये सारा सामान बिखरा हुआ है। बाकी बच्चों को मैंने अभी भेज दिया, गाड़ी आई थी तो कुछ किचन के बर्तन हैं यहाँ पे जो इस्तेमाल में काम होते हैं और उनको जो है ना ये धो के रखा हुआ है वहाँ पे सुबह से। अब जो है ना आज तो 3 ट्रक गई माशाल्लाह। अभी जाएगी ये बिस्लरी बोतल, ये आधी है ये और ये एक, और ये वाटर कूलर जाएगा, ये ज़रूरी है पानी वगैरह पीना है। बाकी बाथरूम का कुछ सामान ये रहा, ये नया है कुछ, इसमें कुछ डिटर्जेंट लाइजॉल वगैरह, और ये इस बाथरूम का सामान तो ये एक बाल्टी में भरा और ये एक टैप में भरा, जो ज़रूरत का सामान होता है बाथरूमों का। बाकी तो कुछ नहीं, अभी तो यहाँ का ये कुछ सामान अभी इधर ही है। और अभी तो मोटा मोटी ही ले गए हैं, ये एक अलमेरा यहीं पे है, पर्दे भी नहीं निकाले अभी, कंप्यूटर यहीं पे है हस्बैंड का, अभी बस लैपटॉप ले गए। तो बाकी ये देखें सारा सामान ना यहीं पर ही पड़ा हुआ है, ये मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, ये मेरा इस छोटे से बैग में पेडिक्योर का सामान वगैरह। तो अभी तो जो ज़रूरतमंद है ना वही भेजा बस, बाकी सब इधर ही हैं। कुछ अभी ये मेरे कमरे में भी पड़ा हुआ है सारा सामान, कंटेनर्स में है सामान, और लॉन्ड्री का बास्केट भी यहीं पे पड़ा है, कुछ प्रेस करके कपड़े आए थे वो भी यहीं पड़े हैं। और ये तो लास्ट वाला टोर है इस घर का, ये देखिए बाथरूम बिल्कुल खाली हो चुका है, सारे सामान ड्रावर वगैरह भी खाली हो चुके हैं, सारा सामान चला गया है। अभी ये अलमारी जानी है, ये कल चली जाएगी, मैं और बड़ी वाली बांझी रह गए हैं इधर। फिलहाल मैंने हस्बैंड को बोला आप उन बच्चों को ले जाओ और बाकी का जो जैसे प्लेट है, ग्लास और चाय बनाने का पतीला वगैरह वो सब ले जाओ। बाकी क्रॉकरी वगैरह तो यहाँ पे धो के रखी हुई है साफ़ करके, इनमें अभी खोला नहीं है बिल्कुल भी, इनमें देखे सारा ऐसे ही पड़ा है। कुछ इधर वाले कंटेनर जो कुकीज़ वगैरह के हैं वो भेजे हैं, बाकी सब जो है ना ब्रेड मेकर भी यहीं पर ही पड़ा है, बाकी सब जो है ना कल जाएगा। ओवन, जूसर, ये सब कुछ नहीं लेके गए अभी, एयर फ्रायर भी, मेरे होल स्पाइसेस इसमें और इसमें सारे अभी यहीं हैं, प्लेटें भी वही गई जो इस्तेमाल आएंगी, कुछ इसमें हैं बांध के रखा हुआ, ये अलमारी खाली करके ये वाली। अभी किचन वाला फ्रिज भी इधर ही है, ये सब कल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं जो है ना ये सारा ब्लॉग ना मतलब जो 2 दिन की हमारी ये सामान की 2 दिन या 3 दिन की शिफ्टिंग है, तो ये सब मैं ना एक ही ब्लॉग में डालूँगी। अब लगेंगे 2 से 4 दिन सारा सामान अच्छी तरह से वहाँ पे ले जाने में, और फिर मैं जो है ना एक ही ब्लॉग में 2 या 3 दिन का शूटिंग सारा डाल दूँगी। तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी चली गई मेरी, वो ज़रूरी है। ये वेट टिश्यूज़ हैं तो ये तो काम आएंगे अभी वहाँ पे। ये देखिए ये वाला स्टैंड तो इधर ही है, बाकी वाटर कूलर को खाली करना था, तो पीने का पानी है यहाँ, तो पीने का पानी हमें ख़रीद के लाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वाटर कूलर खाली करके ये 2 जग में डाल दिया। बाकी कुछ फ्रिज में जाने वाला सामान है, चीज़ वगैरह वो भूल गए थे यहीं पे, और इसमें कुछ टूथब्रश और कुछ मेडिसिन थोड़ी बहुत मैंने साथ उठाई इमरजेंसी के लिए। बाकी ये देखिए पर्दे वगैरह यहाँ पर अभी तक लगा हुआ है, ये भी लगे हुए हैं, और इसमें जो है ना TV पैक करके रखा है, कुछ बच्चों की चेयर हैं ये भी अभी यहीं पर ही हैं। बाकी ये गुड़िया का टेबल, डिनर टेबल, ये सब कल ही चला जाएगा वहाँ पे। लास्ट ट्रक जो है ना सामान लेके 8 बजे निकली यहाँ से, है तो 10 मिनट का रास्ता ही जहाँ हमने नया घर लिया है। बस अब मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह। आज हम पूरा दिन सामान पैक करने में ही लग गए, तो इस वजह से ना डिनर बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। वैसे इसमें जो है ना चिकन हमने
कल मेरे जन्मदिन पे बनाया था घर पे। ये देखिए दो चिकन इसमें पड़ा हुआ है, भर के दो चिकन, इसमें कुछ प्याज की चटनी और इसमें दही वड़ा और इसमें मूंग मसूर की दाल। लेकिन थके इतना है ना कि सब्ज़ी गर्म करने की भी हिम्मत नहीं है। बाकी हमने आज का डिनर जो है ना बाहर से ही ऑर्डर किया है, तो वो पहुँचेगा वहीं पर नए घर में ही सीधा। यह है बेटे का वॉशरूम, ये भी बिल्कुल खाली हो गया है। फिर बाकी वॉशिंग मशीन भी देखे, इस जगह में होती थी वॉशिंग मशीन, ये भी चला गया। तो सारा सामान जो है ना ले, ये देखें बेटे का टेबल गया, तो यहाँ वाली बुक्स वाली अलमारी वो भी गई, यहाँ पे जो बेटी उनकी दो अलमारी होती थी वो भी चली गई। तो बाकी ये सब जो है ना बाकी का सामान कल चला जाएगा इंशाल्लाह। जब सारा सामान हम पैक करेंगे और सारा सामान नए घर में पहुंचेगा, फिर हम इसको सारे घर को अच्छे से झाड़ू पोछा डस्टिंग ये वो करेंगे, तो मकान मालिक को पकड़ाएंगे चाबी। ये देखिए जी, घर से वहाँ पुराने घर से निकलते हुए तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सामान थोड़ा बहुत निकाल रहे थे, गाड़ी में लोड कर रहे थे सामान। अभी यहाँ पर उतरते हुए मैंने सोचा चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमारा घर के सामने का व्यू है, ये मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी अच्छे से। अभी देखिए गैस चूल्हा वगैरह कहाँ, इधर गाड़ी में दिखेगा वाटर कूलर गैस चूल्हा, वो बांझी और वसीम साहब लेके जा रहे हैं अंदर। तो हमारी एक गाड़ी वो वहाँ खड़ी है ब्लैक कलर, और बुलेट यहाँ खड़ी है। यहाँ तो वैसे पार्किंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग की प्रॉब्लम तो हमें उस पुराने घर में थी। ये मेरे सारे प्लांट्स आए हैं आज, ग्रो बैग्स, अभी उसने ना लाके यहीं पे रखे हुए हैं। यहाँ पे क्यों रखे हैं उसने ये गमले हैं? भैया ने क्यों इधर रखवाए? चलो कोई निकाल, इनको आप सेटिंग करेंगे अच्छे से। अभी तो और ग्रो बैग्स वहाँ से आने हैं। हाँ माशाल्लाह, मैं तो अब आई हूँ सामान शिफ्ट होने के बाद, थोड़ा बहुत ही सामान शिफ्ट हुआ। हाँ ये तो उधर ही रखो, और ये वाह यहाँ पे तो कारपेट भी बिछाया गया है। ओहो, बच्चों के टूथब्रश वगैरह लेके आई थी मैं साथ में, इनको रख देती हूँ यहाँ पे, मेडिसिन का डब्बा। कॉलिंग ब्रश पानी हिसाब सब सफाई ये क्लीन क्लीनिंग डिटॉल थो कह तो क्या इसके अथ वथ पटरवान ना शुरी बचे हाथ वाथ धोएंगे वैक टिशू था ती लाबि मजे ये बस बाकी तो सब फिलहाल ये तो फिलहाल ऐसे ही रखेंगे जो भी है इसमें सामान। चलो जी, ये क्यूटिकल क्यूटिकल थे और मजबूत और ही कह लो टूथब्रश। बच्चों को तो ब्रश होने चाहिए सुबह सुबह इस्तेमाल करने के लिए। एग्जॉस्ट फैन बंद तवे थोड़ा सा घुटन हिच ग। ये बेबू और आयदा का बाथरूम है। अभी देखिए बिस्तर है, ये बक्सों में सामान है। क्या पाए मैंने पाई? अच्छा ए सी को वासा शायद पानी ओ बिस्तर गई कुन आब क्यों आब योर ए सी मज आब न। ये देखिए जितना भी सामान आया आज वो सब ये है, और ये है यहाँ पे, और यहाँ पे रखा हुआ है कुछ, और ये अलमारी, और ये लगेजेस वगैरह। ये लग चुका है हमारा डिनर,
इस घर में पहला डिनर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब डिनर खा रहे हैं। अब मैं भी शुरू करूंगी। सारा ही खाना जो है ना आज बाहर से ही मंगाया है, तंदूरी चिकन, चिकन अफगानी, बटर नान, प्लेन नान और येलो दाल, और बच्चों के लिए ये चिकन रोल्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला डिनर है इस घर में। अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियों के साथ हमें इस घर में नवाजे, आमीन। यहाँ पे लग गया नए घर में हमारा बेड, ये दिखे। थोड़ी सी साफ सफाई कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे और चाय वगैरह पी, उसके बाद जो है ना 9 बजे आए कारपेंटर, बिजली वाले और एसी लगाने वाले भैया। एसी तो दीवार पे फिट करके गए थे लेकिन गैस वगैरह अभी भरनी बाकी थी, वो काम आज वो ख़त्म करेंगे। और कुछ सामान हमने जो है ना सॉर्ट आउट कर दिया है, लगा दिया है, और कुछ अभी ये दिखे सारे में उधर उधर बिखरा पड़ा है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, उधर का भी, हाँ उधर का भी मैंने देखा, ठीक है बिल्कुल, हाँ अब सही है, वरना ऐसे करना पड़ रहा था, ऐसे थोड़ा हम नीचे ही बैठते हैं ना तो इसी हिसाब से लगना चाहिए ना। टीवी वगैरह तो लग गया है अंदर कमरे में भी और यहाँ लॉबी में भी। और ये देखिए मेरे इस घर का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा सा बरांडा है। कारपेंटर भैया यहीं पे अपनी लकड़ वगैरह काटता है। किचन यहाँ पे ओपन दिया हुआ था तो इसमें डोर नहीं था। जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तेल वगैरह या खाने की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है या धुआं फैल जाता है पूरे घर में, इस वजह से जो है ना हमने इसका डोर बनवाया स्लाइड वाला। चला थोड़ा भारी है चलने में ये तो। ये सही हो गया है ना, घर को ना इन्होंने ठीक से मेंटेन नहीं किया है। मैंने बोला घर इतना अच्छा है, इसको ठीक से मेंटेन नहीं किया ना मकान मालिक ने। ये छोटा वाला फ्रिज जो है ना ट्रक में लाया तो इसको ना देखिए कितने सारे बैंड हो गए हैं, काफ़ी सारे बैंड्स हो गए इसमें और बिल्कुल ख़राब कर दिया, इसकी शक्ल ही बिगड़ गई है। अभी कारपेंटर का ना बहुत सारा काम है, बिजली वाले का भी कुछ काम है। टीवी भी लगा दिया इधर और अंदर एक कमरे में लगा है टीवी। ये अलमारी तो अभी मतलब ये सारी चीज़ें सेट नहीं की ठीक से, बस अभी तो वैसे ही पड़ा हुआ है बिखरा। टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं दिया अभी यहाँ पे, तो बाकी जूते वाले अलमारी तो फ़िलहाल यहीं पे है, ये तो बाहर की तरफ रहेगी, जो बरांडा है वहीं पे। तो अभी बरांडे पे जो है ना कारपेंटर अपनी लकड़ वगैरह काटता है। यहाँ पर ये एक काउंटर दिया था ये जिसका ये ब्लैक मार्बल है, तो सिंक यहाँ पे अच्छा नहीं था, ये सिंक नल का सिंक और ये नलका वगैरह मैंने यहाँ पे लगवाया। कारपेंटर को ना 5-6 दिन हो गए यहाँ पे काम करते हो, और 6 दिनों के दौरान उसने एक तो ये पूरी जो है ना अलमारी बनाई, कैबिनेट और ये वाली बनाई, ये हमने खुद ही दिया इसको। तो सिंक के बारे में तो मैंने बोला सिंक बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं था और वो बहुत छोटा था, इतना सा था। फिर क्या किया हमने, ये जो मार्बल है ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी शीट लाई नई, उसके बाद फिर ये वाला सिंक लाया और इसमें लगाया। बाकी मेरे जो लॉबी वाले थे ना छोटे छोटे गमले, वो यहाँ पे आ गए क्योंकि यहाँ किचन बड़ा है और स्पेस भी अच्छी है। और गीज़र भी लग गया, ये वाटर कूलर को फ़िलहाल यहाँ पे रखा है, बड़े वाले फ्रिज को किचन में रखा हमने और छोटा वाला फ्रिज जो है ना वो डाइनिंग एरिया में रख दिया हमने। और ये डोर नहीं था इसमें, ये ओपन किचन था, मतलब इतनी सी स्पेस थी इसकी ऐसे दी हुई। तो फिर हमने आज इसमें ये डोर कारपेंटर भैया ने आज ये कंप्लीट किया। देखिए अभी इस पे ना ये टेप लगी हुई है,
तो ये अभी इसको रिमूव नहीं करेंगे, पूरा सेट होने देते हैं फिर। तो ये है डोर, भारी है बहुत, कांच का है ना। यहाँ पे हमने दी, ये डाइनिंग एरिया है, मैं लाइट ऑन करती हूँ पहले। यह है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे डिनर टेबल लगेगा। और ये जो फ्रिज है ना, हमने यहीं पे रखा जो पहले उधर पुराने घर में ये फ्रिज किचन में होता था, यहाँ पे हमने ये डाइनिंग एरिया में रखा। और वहाँ पे जो लॉबी में अलमारी होती थी ना, इसमें कुछ मेडिसिन के डब्बे और चाय वाले शीट और कुछ छोटी गुड़िया की टॉयज़ होती थी, तो ये तो हमने इसमें ना क्रॉकरी वगैरह मैंने फ़िलहाल रख दी है। बाकी देखिए सारा सामान ऐसे ही है, मैसी मैसी पड़ा हुआ है। यहाँ डाइनिंग एरिया में भी मैसी मैसी पड़ा है सारा सामान, ये देखिए आप देख ही सकते हैं। और कर्टन्स वगैरह भी नहीं लगाए हमने, यहाँ पे एसी दे दिया, एसी वगैरह तो हमने सारे इधर जो है ना लगा दिए। छोटी गुड़िया का टेबल अभी यहीं पे ही रखा हुआ है, इसको भी सेट नहीं किया। और यहाँ तो इतना सारा सामान देखें पड़ा हुआ है सारा इस कमरे में। ये रूम है ना, बड़ा रूम है। और यहाँ पे आयदा और बेबू का बेड लगेगा, उनका स्टडी टेबल लगेगा और अलमारियाँ वगैरह लगेंगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरा किचन का सामान ये देखिए कुछ मैंने सेट कर दिया, और कुछ अभी करने वाला है। इसमें भी किचन का सामान ही है, और इसमें भी है किचन का ही सामान है देखें। तो अब इंशाल्लाह कल उठ के मैं इसको करूँगी धीरे धीरे सेट। तो हमने तो बहुत सारा काम करवाया इसमें, 6 दिन से कारपेंटर लगे थे, एसी वाले 2 दिन से लगे हुए थे, और बिजली वाले को भी 3-4 दिन हो गए। एग्जॉस्ट फैन स्विच वगैरह यहाँ पे ख़राब थे, वो सब ठीक करवा लिए। तो कुछ हमारी लाइटें लगी, जैसे कि ये लाइटें भी सीलिंग वाली लाइटें ना सारी ख़राब थी, इनको भी लगवाया हमने, इसमें भी लगवाया, जो ख़राब थी वो रिमूव करके बाकी लगवाया। ये डिनर टेबल हमारा फ़िलहाल इधर है, अभी जो है ना मेरे कुछ ग्रो बैग्स आ गए हैं, कुछ इंशाल्लाह कल आएंगे। मार्बल मैंने अपनी पसंद से लगवाया, क्योंकि मुझे वाइट कलर जो है ना, मार्बल या किचन हो, घर में सारा पेंट वाइट में हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट वाइट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सेटिंग किया। अभी यहाँ पे ना मेरा ये एक स्विच दिया है, इस पर चल रहा है माइक्रोवेव, और मेरा टोस्टर के लिए स्विच नहीं है। अब ये रहता है ना कि बार बार ये उसका खोलो इसका लगाओ, वैसे वाले काम नहीं करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये एक्स्ट्रा लाइट दिलवाई मैंने, ये चूल्हे के, जैसे भी मैं कुकिंग कर रही हूँ या व्लॉग बना रही हूँ तो लाइट एकदम अच्छी नहीं आती है, तो क्वालिटी थोड़ी सी ना बिगड़ जाती है। तो वरना तो मेरी शूटिंग 4K से ही होती है। तो एक स्विच यहाँ पे उनका अपना दिया हुआ है, ये देखिए इस पर ना 2 लगा सकते हैं, एक तो डो मेकर और राइस कुकर, बाकी तो एयर फ्रायर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे भी हम 3 वाला देंगे, वहाँ पे भी 3 वाला देंगे। ये बिजली का काम आधा रह गया, ये कल करेंगे इंशाल्लाह। और कारपेंटर का भी देखिए बहुत सारा काम है यहाँ पे ना। ये अलमारी देखिए, ये टूटी हुई है, ये इसका निकल गया है ये, तो अब इसको भी ठीक करवाएंगे इंशाल्लाह कल। फ़िलहाल तो इसको ऐसे उठा के बंद करना पड़ता है। और सफाई यहाँ बहुत ज़्यादा होनी थी, सफाई वगैरह भी बहुत हुई। बाकी ये स्लाइड वाला मैंने इसमें कराया, बाकी आप सब भी हमारे लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला मेरे सभी देखने वाले भाई बहनों को सेहत व सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अगर कोई हमारी चैनल पे नया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज के इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।